नाम बदलकर युवती से किया प्रेम, जब पोल खुली तो युवती पहुंची थाने। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जांच अधिकारी रश्मि पाटीदार ने बताया कि महिला थाने पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि फोन पर बात करने के दौरान राज नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जो कुछ ही दिनों में प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि युवक का नाम राज ना होते हुए समीर मुल्तानी है। युवती ने जब इस बात का विरोध किया तो युवक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ ज्यादती की। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश अच्छर की रिपोर्ट। महिला ने बताया कि 5 साल पहले उसकी अनोन नंबर से बातचीत हुई थी, जिसमें कि उसकी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद उनके प्रेम संबंध बने और प्रेम संबंध बनने के बाद करीबन बताया उसने कि करीबन 1.5-2 साल पहले उस लड़के ने सिंधी कॉलोनी के एक मकान में ले जाके उसके साथ जबरन में शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसने बताया कि पहले बताया था मेरा नाम राज है, और उसके बाद उसने बताया कि मैं मुल्तानी हूँ और दूसरे धर्म का हूँ, जिसके बाद उसने बोला कि अब बदनामी होगी इसलिए मैं तेरे से शादी कर लूँगा। वो लड़की बोलती रही शादी का, लेकिन वो शादी नहीं की। उन्होंने डिमांड करते रहे कि मोबाइल दिला दो, वो लड़का और उसके पिताजी मिलके मोबाइल दिला दो, बाइक दिला दो। लड़की ने ये सब चीज़ें दिला दी, उसके बाद कार की डिमांड की। तब लड़की को समझ में आया कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और ये किसी भी प्रकार से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और फिर वो आई हमारे पास और उसने रिपोर्ट दर्ज की। किन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें 376(2)(N), 384, 323, 294, 506, 34। लड़के का पूरा नाम क्या है? लड़के का पूरा नाम है समीर मुल्तानी। कहाँ रहने वाला है? ये इंदौर का ही रहने वाला है, चंदन नगर का। फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी कुछ? हाँ, वो तरह तरह से धमकाता रहा कि मैं तेरे फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा, यहाँ मिलने आ, वहाँ मिलने आ। लड़की ने बताया कि कई जगहों पे ले गया और मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया, छोटा भाई है लड़की का, बोले उसको मार दूंगा। इस तरह से कई प्रकार से वो धमकियाँ देता रहा उसको, और उससे पैसे वैसों की मांग भी करता रहा लगातार। इस प्रकार से जब प्रकरण दर्ज हो चुका है इसमें। उप निरीक्षक रश्मि पाटीदार, महिला थाना इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।